11 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर 48 सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका खासा असर अल्मोड़ा नगर में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने अल्मोड़ा शहर का कूड़ा नहीं उठा रहे हैं और हड़ताल से शहर में 24 टन से अधिक कूड़ा जमा हो गया है। मार्गों, गलियों और मोहल्लों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बारिश होने से कूड़ा जगह जगह फैल रहा है और दुर्गंध उठ रही है। इससे दुकानदारों, राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पूरी तरफ देख रहे हैं गंदगी के जो ढेर लग चुके हैं और सफाई कर्मचारियों के द्वारा अगर उठाने पर भी उठाया नहीं जा रहा है, और वो जबकि स्तर पे कहा जा रहा है कि ये शासन के स्तर की चीज़ है, लोकल स्तर पे नहीं है, और ये पूरे उत्तराखंड में चल रहा है ये मामला, और शीघ्र ही इसका समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में बीमारी फैलने का भी डर है। वहीं सफाई कर्मचारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ठेके प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों को संविदा में रखे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। विगत कई वर्षों से देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी के प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से लगातार 11 सूत्री मांग पर सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, किंतु बड़े दुख का विषय है कि जो 2 वर्षों से कोरोना से लड़ रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनके विषय में सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। हम चाहते हैं कि ठेके प्रथा जैसी समस्या को, ठेके प्रथा जैसी निकाय में जो ठेके प्रथा हो रही है, उसको सफाई कर्मचारी को संविदा में रखा जाए और ठेके प्रथा को पूर्णतः पूरे उत्तराखंड में समाप्त किया जाए। वहीं इस मामले में प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन चौपाल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार जल्दी फैसला करेगी। सभी हमारे यहाँ के सत्यकार लोग हैं, वो पूरी हड़ताल पर है, आप प्रभारी मंत्री हैं, क्यों नहीं सरकार इनकी चीज़ों पर ध्यान दे रही है? सरकार इस पर विचार कर रही है, उनके जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी, उनसे वार्ता चले, एक दो दिन में जल्दी से उसका समाधान निकल जाएगा। क्योंकि शहर के अंदर पूरा देखे पूरा जो सिस्टम ये पूरे प्रदेश में है, उनकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उस पर वार्ता चल रही है। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का खासा असर अल्मोड़ा में भी दिखाई दे रहा है। शहर के हर मोहल्ले कूड़े के ढेर में बदल चुके हैं और बाजार में लोगों का चलना दूभर हो चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।